हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर थ्री हाउ मेनी स्क्वास एंड दिस इज पार्ट वन वीडियो बिफोर वी स्टार्ट आवर चैप्टर लेट एस फर्स्ट रिवाइज सम टू डायमेंशनल शेप्स जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है टू डायमेंशनल शेप्स जैसे ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वेयर पेंटैगन हेक्जैगन एक्सेट्रा इस चैप्टर में हम बेसिकली स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में हम ऑलरेडी क्या जानते हैं स्क्वायर एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं यानी कि अगर हमें एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है इसका मतलब बाकी जो तीन साइड्स बचेंगे वो उतने ही मेजरमेंट का होगा और रेक्टेंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है यानी कि अगर हमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि जो लेंथ का मेजरमेंट है वही उसके ऑपोजिट साइड का सेम मेजरमेंट होगा और जो ब्रेथ का मेजरमेंट है तो उसका जो ऑपोजिट साइड होगा उसका मेजरमेंट भी सेम होगा सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर चैप्टर हमारे चैप्टर के फर्स्ट पेज में एक डॉटेड शीट है एक रेड स्क्वायर है और नीचे कुछ क्वेश्चन है लेट स्टार्ट रीडिंग मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट यहाँ पे जो ये रेड स्क्वायर है इसका एक साइड हमें स्केल से मेजर करने को बोला जा रहा है स्केल से मेजर करने पर पता चलता है कि ये जो साइड है ये वन सेंटीमीटर का है यानी कि बाकी जो तीन साइड्स होंगे वो भी वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर और वन सेंटीमीटर का ही होगा उसके बाद ड्रॉ हि एज मैनी रेक्टेंगल्स एज पॉसिबल यूजिंग ट्वेल्व सच स्क्वायर्स इसका मतलब हमें इस तरीके के ट्वेल्व रेड स्क्वायर्स को यूज़ करके एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाना है यहाँ पे आपको ट्वेल्व स्क्वायर्स नज़र आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व और यहाँ पे उतने रेक्टेंगल्स बनाने हैं जिससे कि ये पूरा पेज भर जाए सो लेट्स स्टार्ट दिस इज़ रेक्टेंगल नंबर वन रेक्टेंगल नंबर टू रेक्टेंगल नंबर थ्री रेक्टेंगल फोर रेक्टेंगल फाइव रेक्टेंगल सिक्स एंड रेक्टेंगल सेवन अब पूरा पेज भर चुका है थोड़ा सा साइड में जगह बच गया है लेकिन यहाँ पे ट्वेल्व स्क्वायर्स नहीं धरेंगे इसीलिए हम यहाँ पे कोई भी रेक्टेंगल नहीं बना सकते सो so, हमने टोटल कितने रेक्टेंगल्स बनाए हैं वी हैव मेड अ टोटल ऑफ सेवन रेक्टेंगल्स उसके बाद हमें बोल रहे हैं कि ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ ट्वेल्व इक्वल स्क्वायर्स ये सभी स्क्वायर्स इक्वल हैं सबके साइड वन सेंटीमीटर के हैं सो ऑल हैव द सेम एरिया क्योंकि ये सभी स्क्वायर्स एक जैसे हैं एरिया क्या होता है एरिया इज द स्पेस इनसाइड एनी क्लोज्ड फिगर यानी कि कोई भी शेप कितना बड़ा है या कितना छोटा है वो कितना जगह घेर के बैठा हुआ है उसे उस चीज का एरिया कहा जाता है जैसे कि इस स्क्वायर ने इतना सा जगह घेरा हुआ है एरिया निकालने का एक फार्मूला भी है जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ स्क्वायर का लेंथ और स्क्वायर का जो ब्रेथ है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उस स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा यानी कि उस स्क्वायर ने कितना जगह घेर के रखा हुआ है वो हमें पता चल जाएगा अब स्क्वायर के लेंथ और ब्रेथ तो बराबर हैं क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं तो हम लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ को साइड मल्टीप्लाई बाई साइड भी लिख सकते हैं है कि नहीं अब कोई भी चीज़ अगर हम दो बार लिख रहे हैं उसे लिखने का एक और तरीका है वो है साइड का स्क्वायर यानी कि साइड दो बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए जब इसका आंसर लिखते हैं हम उसका यूनिट लिखते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि यहाँ पे जो ऊपर साइड में छोटा सा टू लिखा है इसे हम स्क्वायर कहते हैं और एक और तरफ है पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है पेरीमीटर किसी भी शेप का बाउंड्री का मेजरमेंट होता है यानी कि हम टेप से इंच टेप से उसके साइड को मापते हैं कि वो लेंथ में टोटल कितना बाउंड्री का है पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर और इसका फॉर्मूला क्या है हम साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड यानी कि चारों साइड को जोड़ लेंगे ऐड कर लेंगे <laughs> क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स एक है समान है इसीलिए हम फोर मल्टीप्लाई बाई वन साइड भी कर सकते हैं और इसका जो आंसर होता है उसका यूनिट सेंटीमीटर में ही लिखा जाता है ये तो हुआ स्क्वायर के बारे में अभी रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर के बारे में भी थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं एरिया तो जैसे हमने अभी पढ़ा एरिया इज द स्पेस इनसाइड एनी क्लोज्ड फिगर हमने स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट किया था लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ किया था इसमें भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे लेकिन स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल थे इसीलिए हमने साइड को दो बार मल्टीप्लाई करके साइड स्क्वायर लिख लिया था लेकिन इसके चारों साइड्स बराबर नहीं है इसीलिए हम साइड स्क्वायर नहीं लिख सकते हम यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे टू सेंटीमीटर का लेंथ है वन सेंटीमीटर का ब्रेथ वाला रेक्टेंगल है तो इसीलिए हमने इसका एरिया निकाला लेंथ ब्रेथ और उसका आंसर क्या आया टू मल्टीप्लाई बाई वन इज टू स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर अगर हमें इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे हम सारे साइड्स को ऐड करेंगे यानी कि टू सेंटीमीटर प्लस वन सेंटीमीटर प्लस टू सेंटीमीटर प्लस वन सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आया सिक्स सेंटीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का एक और फॉर्मूला भी हमने ऑलरेडी थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है और वो है टू मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि दो बार हम लेंथ को ऐड करेंगे और दो बार हम ब्रेथ को ऐड करेंगे इसीलिए टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू टाइम्स यानी कि दो बार लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे लेंथ टू सेंटीमीटर है ब्रेथ वन सेंटीमीटर है टू प्लस वन थ्री है थ्री मल्टीप्लाई बाई टू सिक्स सिक्स सेंटीमीटर आंसर और यूनिट हमेशा सेंटीमीटर में तो आया ना सेम सेम आंसर हम पेरीमीटर को ढूंढने के लिए साइड को ऐड करके भी आंसर निकाल सकते हैं या फिर इस फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं जो भी आपकी टीचर आपको सिखाए या फिर आपको इजी लगे आप उसी मेथड को फॉलो कीजिए सो लेट्स गो बैक टू आवर चैप्टर यहाँ पे बोल रहे थे कि सभी रेक्टेंगल क्योंकि 12 इक्वल स्क्वायर से बने हुए हैं इसीलिए उनका एरिया सेम है एरिया सेम कैसे है एरिया वो होता है जो कोई भी चीज किसी जगह को घेर के बैठा रहता है अगर हम ट्वेल्व स्क्वायर को साइड बाई साइड अरेंज करें या फिर ऊपर नीचे अरेंज करे जगह तो वो उतनी ही घेरेगी भले ही हम उसे राइट लेफ्ट फैलाए या फिर ऊपर से नीचे फैलाए जगह तो वो उतनी ही घेरेगी इसीलिए एरिया को सेम बोला गया है लेकिन उसका जो लेंथ ऑफ द बाउंड्री है यानी कि पेरीमीटर है वो अलग है सो लेट्स फाइंड आउट कि पेरीमीटर कैसे अलग है यहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं कि इस रेड स्क्वायर का जो एक साइड है वो वन सेंटीमीटर का है यानी कि दूसरे वाले रेड स्क्वायर का साइड भी वन सेंटीमीटर का हुआ तीसरे वाले रेड स्क्वायर का साइड भी वन सेंटीमीटर का है तो फिर वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन यानि कि एक एक साइड को ऐड करते करते हम जब पूरा ऐड कर लेंगे हमें मिलता है नंबर ट्वेंटी सिक्स यानी कि रेक्टेंगल नंबर ए का पेरीमीटर है ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर उसी तरह काउंट करके ऐड करके हमें एफ रेक्टेंगल का पेरीमीटर मिलता है नंबर और रेक्टेंगल नंबर जी का पेरीमीटर हमें मिलता है सेंटीमीटर पेरीमीटर को हमने फॉर्मूले से भी निकाला था हम एक बार फार्मूले से भी निकाल के देख लेते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला था टू मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि दो बार हम लेंथ और ब्रेथ को एड कर रहे हैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल नंबर ए का लेंथ कितना था? यहाँ पे टोटल 12 स्क्वायर्स है, यानी कि 12 साइड। one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve। यानी कि इसका जो लेंथ है, वो 12 सेंटीमीटर है। और उसका ब्रेथ क्या था? One सेंटीमीटर। इसीलिए हमने 12 सेंटीमीटर लेंथ प्लस one सेंटीमीटर ब्रेथ लिखा। 12 प्लस one होता है 13। 13 मल्टीप्लाई बाय two होता है 26.

हैज द लॉन्गेस्ट सबसे लंबा पेरीमीटर कौन से रेक्टेंगल का था हमें सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमी ट्वेंटी का मिला था यानी कि रेक्टेंगल नंबर ए एंड बी सो वी विल राइट द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर एज ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर और सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट पेरीमीटर कौन से रेक्टेंगल का था यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पेरीमीटर हमें ये वाले रेक्टेंगल का मिला था यानी कि फोर्टीन सेंटीमीटर यानी कि रेक्टेंगल नंबर एफ ई डी और सी का जो पेरीमीटर है वो सबसे छोटा है द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर इज 14 सेंटीमीटर नेक्स्ट इज मेजर स्टैम्प्स यहाँ पे एक स्क्वायर ग्रिड पेपर पे कुछ स्टैम्प्स दिए गए हैं स्क्वायर ग्रिड पेपर यानी कि एक ऐसा पेपर जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाए हुए हों हमें इन सभी स्टैम्प्स का लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करके उसका एरिया निकालना है वही हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं

न टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन यानी कि टोटल एटीन स्क्वायर्स ने स्टैंप ए को कवर करके रखा हुआ है उसी तरह हमें स्टैंप बी को भी बताना है कि स्टैंप बी को कितने स्क्वायर्स ने कवर किया हुआ है लेट्स काउंट दिस इज स्क्वायर नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो आंसर इज एट स्क्वायर्स विच स्टैम्प हैज द आउट उसके लिए हमें सभी स्टैम्प का एरिया पहले फाइंड आउट करना है एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्योंकि रेक्टेंगल शेप के हैं हमें इन सब का लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करना है वही से हमें इजिली इन सब स्टैंप्स का एरिया पता चल जाएगा यानी कि इन स्टैंप्स में कितना जगह घेर के रखा हुआ है वो पता चलेगा स्टैम्प ए में लेंथ कितना है साइड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ कितना है वन टू थ्री ब्रेथ उसका थ्री सेंटीमीटर है यानी कि सिक्स मल्टीप्लाई बाई थ्री इज एटीन द एरिया ऑफ स्टैम्प नंबर ए इज एटीन स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया ऑफ बी लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ लेंथ है टू सेंटीमीटर और ब्रेथ है वन टू थ्री फोर फोर सेंटीमीटर फोर टू जाट एरिया इज एट स्क्वायर सेंटीमीटर वैसे ही अगर हम स्टैंप नंबर सी का लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा एरिया स्टैंप डी का एरिया मिलेगा ट्वेल्व स्टैंप ई का एरिया मिलेगा फोर और स्टैंप एफ का एरिया मिलेगा ट्वेल्थ इन सभी स्टैंप्स का हमने लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके ही एरिया निकाला है नाउ यू कैन टेल मी विच इज द बिगेस्ट एरिया स्टैंप नंबर ए कवर्स द बिगेस्ट एरिया क्योंकि ये 18 स्क्वायर सेंटीमीटर का है सबसे बड़ा वाला जगह स्टैंप ए ने घेर के रखा है सो वी कैन राइट आंसर स्टैम्प ए हैज द बिगेस्ट एरिया हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड वन सेंटीमीटर डज दिस स्टैंप कवर हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ही ऑलरेडी लिख लिया है स्टैंप ए को वन सेंटीमीटर साइड वाले 18 स्क्वायर्स ने घेर के रखा हुआ है उसके बाद हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैंप यानी कि नंबर ए जो सबसे बिग big है बिगेस्ट है उसका एरिया कितना हुआ 18 स्क्वायर सेंटीमीटर जिसका हमने आंसर लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके निकाला था 18 स्क्वायर सेंटीमीटर को हम 18 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के ऊपर छोटा सा टू लिख के 18 स्क्वायर सेंटीमीटर भी ऐसे लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एरिया सेम एरिया कौन से दो स्टैंप का है यहाँ पे स्टैंप नंबर डी का एरिया था ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर और यहाँ पे स्टैंप नंबर एफ का भी एरिया था ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि स्टैंप डी और स्टैंप एफ का एरिया सेम है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दि स्टैंप्स ईच ऑफ दिटैंप्स हैज द एरिया ऑफ ट्वेल्व स्क्वायर सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैंप इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर सबसे छोटा वाला सबसे स्मॉलेस्ट स्टैंप कितने एरिया का था सबसे छोटा वाला स्टैम्प है स्टैंप नंबर ई उसने सबसे कम एरिया घेर के रखा हुआ है दैट इज फोर स्क्वायर सेंटीमीटर ये फोर हमने कैसे निकाला था यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ किया था लेंथ इसका टू सेंटीमीटर था और ब्रेथ भी इसका टू सेंटीमीटर का ही है सो द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज फोर स्क्वायर सेंटीमीटर नाउ मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प हमें सब्ट्रैक्ट करना है सबसे बड़े वाला स्टैम्प यानी कि 18 में से सबसे छोटे वाला स्टैम्प का एरिया फोर को सब्ट्रैक्ट करना है एटीन माइनस इज फोर्टीन स्क्वायर सेंटीमीटर एंसर दिस इज अ वेरी लॉन्ग चैप्टर दैट्स वाई वी विल स्टॉप दिस वीडियो हेयरली दिस इज द एंड ऑफ पार्ट वन आगे का चैप्टर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसी के साथ आपके मैथमेटिक बुक के बाकी सभी चैप्टर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आपको आने वाले पार्ट के नोटिफिकेशन भी साथ में मिल जाए मीट वेरी सून टिल थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.